बहुत ही झटपट और आसान तरीके से हम सांभर बनाएंगे। तो फिर चलिए सांभर बनाते हैं। सांभर को हम कुकर में बनाएंगे। कुकर को गर्म कर लिया, इसमें हम 2 चम्मच सरसों तेल ले लिए हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें डालने के लिए हरी सब्जी और अरहर की दाल। सब्जी को धोकर हमने काट लिया है और अरहर दाल को भी धोकर पानी में फुला लिया है। सब्जी में हमने लौकी, गोभी, परवल, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज टमाटर लिया है। सरसों को डाल देंगे। सरसों चटकने के बाद इसमें हरी मिर्च और लहसुन को डालेंगे। उसके बाद कड़ी पत्ता डालेंगे और इसमें हमने 1 कटी हुई प्याज डालकर अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेंगे। प्याज गोल्डन हो गया है तो इसमें हमने जो सब्जियां काट के रखी है वो सब डाल देंगे। सारी सब्जी हम एक साथ डालकर अच्छे से मिला लेंगे। इसको हम 1-2 मिनट तक भूनेंगे। सब्जी को हमने 2 मिनट भून लिया है तो इसमें हमने रहर दाल को जो धो के रखा है वो डाल देंगे। सब्जी भून गई है, इसमें हमने जो रहर दाल को धो के रखा है वो डाल देंगे। दाल को भी अच्छे से हम मिला लेंगे और 1 मिनट तक हम दाल को भी भूनेंगे। सारी सब्जी और दाल हम एक साथ 1 मिनट और भूनेंगे। अच्छे से चलाते हुए हम 1 मिनट तक भूनेंगे। सब्जी को हमने भून लिया है तो इसमें हम मसाले डालेंगे। मसाले में हल्दी पाउडर, सांभर मसाला और नमक स्वाद के अनुसार डालकर अच्छे से मिला लेंगे। मसाला और नमक को हम अच्छे से मिला लेंगे सब्जी और दाल में। इसमें हम पानी डालेंगे। पानी को भी अच्छे से मिला लेंगे। जो सब्जी दाल तले में चिपकी हो उसको अच्छे से हम छोड़ा लेंगे कलछी से चलाते हुए और मिला लेंगे। पानी डालकर अच्छे से मिला लिया है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर हम 4 सीटी लगा लेंगे। 4 सीटी में हमारा दाल 4 सीटी लगने के बाद कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है तो हम ढक्कन को खोल लेंगे और दाल को अच्छे से हम मिला लेंगे। दाल भी हमारा अच्छे से पक गया है और सारी सब्जियां भी अच्छे से गल गई हैं। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं वो भी इस सांभर को खा लेंगे। सांभर ज़्यादा गाढ़ी है तो इसमें हम 1 गिलास गर्म पानी को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। पानी को अच्छे से मिला लिया है। इसमें हम 1/2 नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालकर भी अच्छे से मिला लेंगे। सांभर हमारा खाने के लिए तैयार है। तो फिर चलिए सर्व करते हैं। सांभर को हम डोसा के साथ सर्व करेंगे।